नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। थाना पर आरटीओ अधिकारी जगदीश बेरवा ने शिकायत दर्ज कराई है कि किसी व्यक्ति ने फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि हमारी सरकार आने वाली है, तेरा इलाज कर दूंगा। फिलहाल सेवर थाना पुलिस धमकी के मामले में जांच में जुटी है। भरतपुर में सेवर थाना पर आरटीओ अधिकारी जगदीश बेरवा ने शिकायत दर्ज कराई है कि किसी व्यक्ति ने फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि हमारी सरकार आने वाली है, तेरा इलाज कर दूंगा। फिलहाल सेवर थाना पुलिस धमकी के मामले में जांच में जुट गई है। दरअसल राजस्थान परिवहन विभाग के भरतपुर रेंज के आरटीओ जगदीश बेरवा को किसी अजनबी व्यक्ति को दोपहर के समय फोन आया और उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके अलावा उसने धमकी दी कि सरकार आने वाली है, तेरा इलाज कर दूंगा। आरटीओ अधिकारी की तरफ से फोन पर धमकी देने वाले अजनबी व्यक्ति के खिलाफ सेवर थाने की शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस इस जाँच में जुटी है। आरटीओ अधिकारी को गाली गलौज और धमकी देने वाले व्यक्ति कौन है और कहां के रहने वाले हैं, भरतपुर के आरटीओ अधिकारी जगदीश बेरवा ने बताया कि दोपहर के समय मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तभी किसी व्यक्ति का फोन आया, गाली गलौज की और उसने धमकी दी कि हमारी सरकार आने वाली है, तेरा इलाज कर दूंगा, जिसकी शिकायत मैंने सेवर थाने में दर्ज कराई है। सेवर थाने के सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह ने बताया कि आरटीओ की तरफ से एक शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी दी है। इस मामले में विधिवत समस्त कार्रवाई की जाएगी। काम वाम करने के लिए वो तो यही है कि तुम्हें देख लूंगा और बड़ा तुम्हारा इलाज कर दूंगा और बड़ा 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 लूट रहे हो, जनता को बड़ा लूट रहे हो। मन की भाई लूट रहे हैं तो तेरे